हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लाइफस्टाइल वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेमस टीवी एक्टर साई केतन राव की लाइफस्टाइल एक बायोग्राफी के बारे में। साई केतन राव कई तेलुगु फिल्म्स एंड सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री से हिंदी टीवी इंडस्ट्री में पहुँचने में काफी मेहनत की है। इन्हें टीवी सीरियल मेहदी है रचने वाली से पहचान मिली और अभी ये नजर आ रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल इमली में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इनकी लाइफ से जुड़ी सभी बातें बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आपको भी साई केतन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है साई केतन खाटसे। ये अपने नाना जी बहुत प्यार करते थे एंड उनका सरनेम राव था, तो उनकी डेथ हो जाने के बाद साई ने अपने नाम के आगे राव लगा लिया और अभी लोग इन्हें साई केतन राव के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में इनका सरनेम खाटसे ही है और निक नेम है साई। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्टर एंड मॉडल हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1994 और 2023 के हिसाब से अभी इनकी एज है 29 इयर्स। इनका बर्थ प्लेस लोनावला महाराष्ट्र इंडिया है और इनका करंट एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र है। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। फूड हैबिट की बात करें तो ये नॉन वेजिटेरियन है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर महाराष्ट्र में आर्किटेक्ट हैं एंड इनकी मदर हैदराबाद में न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हॉबी की बात करें तो इन्हें ट्रैवलिंग एंड जिमिंग पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रोक्स 178 सेंटीमीटर यानी की 5 फीट 10 इंचेस एंड वेट है अप्रोक्स 75 किलोग्राम्स। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग विज्ञान प्रबोधानंदा प्रशांति निकेतन घटकेसर हैदराबाद से कंप्लीट की है एंड अपना कॉलेज इन्होंने हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद से एंड गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हैदराबाद से कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बी टेक किया है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में MBA किया है और रामा नायडू फिल्म स्कूल से एक्टिंग में कोर्स भी किया है। तो अब जान लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। साई केतन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में अच्छे पैकेज में जॉब करते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट बचपन से ही एक्टिंग में था, इसलिए इन्होंने जॉब छोड़ दी और मॉडलिंग करने लगे। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आने लगे। इन्होंने अपना फिल्म डेब्यू 2019 में तेलुगु फिल्म अजय पासार्डू से किया। इसके बाद इन्हें कई फिल्म्स में काम करने का मौका मिला, जैसे 2019 में ही वैकुंठ पाली, 2021 में स्ट्रेंजर्स और मोस्ट एलिजिबल बैचलर, 2022 में पेलिकुटुरु पार्टी एंड वाला में, और ये सारी मूवी तेलुगु मूवीज हैं। इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है जिसमें तेलुगु एंड हिंदी शॉर्ट फिल्म्स शामिल हैं। इन्होंने अपना तेलुगु इंडस्ट्री में टीवी डेब्यू किया 2017 में सीरियल अग्निसाक्षी से, जिसमें इन्होंने प्रताप का रोल प्ले किया। फिर इन्होंने 2021 में हिंदी टीवी इंडस्ट्री में टीवी डेब्यू किया टीवी सीरियल मेहंदी है रचने वाली से, जहां पर इन्होंने राघव राव का रोल प्ले किया और यहां से इन्हें नई पहचान मिली और इनके इस रोल को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और इनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 2023 में इन्होंने टीवी सीरियल चाशनी में काम किया और रौनक का रोल प्ले किया और अभी 2023 में ही ये स्टार प्लस के सीरियल इमली में अद्रिजा रॉय के साथ अगस्त्य सिंह चौधरी की मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इस रोल को साई कितना बखूबी निभा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको साई केतन राव का कौन सा सीरियल और कौन सा रोल ज्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड है और रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो ये अभी सिंगल है और किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये पर एपिसोड 30 से 35 हजार रुपए चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ है अप्रोक्स $1 मिलियन और साथ ही ये ब्रांड प्रमोशन का अलग चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आई हो आपको ये लाइफस्टाइल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल आपको किस सेलिब्रिटी की चाहिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफस्टाइल के साथ।